अगर आप भी इसी तरीके का वीडियो अपनी फोटो या किसी और के फोटो का बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत है हमें काइन मास्टर की, और उस काइन मास्टर को हम मोबाइल से ओपन करेंगे और उसमें हम आपको एडिटिंग बताएंगे। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं और काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। तब तक आपसे आग्रह करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फटाफट काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। काइन मास्टर पे क्लिक करते हैं और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है, जैसे कि मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक कर दिया। उसके बाद 9x16 वाला आपको फॉर्मेट ले लेना है। फॉर्मेट लेने के बाद क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे क्रिएट पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पर इमेज वाले दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से एक ब्लैक इमेज ले लेना है, जैसा कि मैंने ब्लैक इमेज ले लिया। और इसे हम स्क्रॉल कर देंगे जितना आपको वीडियो लंबा बनाना है। तो चलिए यहाँ पर हम बना दिए इसको, खींच दिए। और यहाँ पर हम एक PNG लेंगे, PNG बैकग्राउंड रिमूव होना चाहिए उसका। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है एक वीडियो में है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करें। तो चलिए उस हम PNG को ले लेते हैं, जैसा कि वो PNG मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको हम स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और इसको हम फुल स्क्रीन में कर देंगे। फुल स्क्रीन में करने के बाद इसको हम सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इस तरीके से सेट करने के बाद में आपको क्या करना है, फिर से इसको नीचे आकर के इसको फुल स्क्रीन में यहाँ तक खींच देना है। खींच देने के बाद में आपको फिर लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे जाना है और यहाँ पर बेसिक इफेक्ट पे जाना है। जैसे आप बेसिक इफेक्ट पे जाओगे इसको पहले नंबर वाले को ले लेना है। पहले वाले नंबर को लेने के बाद में इसे हम थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज में जाना है, उसको सेलेक्ट रहने देना है और यहाँ से इसे सिर्फ 2% पे रखना है। जैसा कि आप घटा बढ़ा सकते हो, लेकिन मेरी राय में तो 2% रखना है। 2% रखने के बाद बैक करेंगे और इसको भी हम पूरे स्क्रीन में कर देंगे। पूरे स्क्रीन में करने के बाद में आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद फिर उसी PNG को लेना है जो बैकग्राउंड जिसमें नहीं है, और सेम PNG ले लेना है। चलिए हम उस PNG को फिर से ले लेते हैं। ये PNG मेरा हो गया और इसको मैंने ले लिया, ठीक है। अब इसको फुल स्क्रीन में नहीं करना है, इसको पहले पूरे में खींच देना है। उसके बाद में थोड़ा इसे जूम आउट कर देना है। जूम आउट कर देने के बाद कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस आ जाएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद इसको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, आपको एक टेम्पलेट मैंने दे रखा है ब्लैक शेडो PNG, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो ब्लैक शेडो PNG को हम ले लेते हैं। ब्लैक शेडो PNG लगाने के लिए आपको बस इस पर क्लिक कर देना है और उस एक बात ध्यान में रखिए, ये ब्लैक ही होना चाहिए। और स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करें तो हम फुल में कर देंगे। फुल में करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और उसे हम जूम कर देते हैं। थोड़ा जूम करेंगे तो थोड़ा साफ दिखेगा, तो हम इसे जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद इसे हम भी फुल स्क्रीन में खींच देते हैं। फुल स्क्रीन में खींचने के बाद में अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आपको लेना है, फिर लेयर वाले ऑप्शन पे जाएगा, पार्टिकल वीडियो टेम्पलेट लेना है। पार्टिकल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो हम जाएंगे यहाँ से पार्टिकल वीडियो टेम्पलेट ले लेंगे। पार्टिकल वीडियो टेम्पलेट पे हम क्लिक कर देते हैं और ये पार्टिकल वीडियो टेम्पलेट आ जाता है। इसको हम स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक करेंगे और फुल स्क्रीन में कर देंगे, जैसा कि ये फुल स्क्रीन में हो चुका है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, हम ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर स्क्रीन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे स्क्रीन वाले ऑप्शन को चूज करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद में इसे हम रन करके देख लेते हैं एक बार, हैं तो कुछ बढ़िया तरीके से रन कर रहा है। तो चलिए अब यहाँ तक की तो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट एक प्यारा सा जरूर कर देना। तो यहाँ तक क्या बात आ चुकी है, अब लगाएंगे हम इस पर लायरिक टेम्पलेट लगाएंगे। लायरिक टेम्पलेट लगाने से पहले एक और खास बात है, यहाँ पर पहले लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ से इस पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे और दो नंबर पे एक ब्रश ले लेंगे, और ब्रश लेने के बाद इस दो नंबर वाले पॉइंट को लेंगे और यहाँ से कलर ब्लैक चूज कर लेंगे। तो ये ब्लैक कलर हो गया है। अब इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे, ऐसा कर देने के बाद में ऐसे ऐसे कर लेना है थोड़ा, और बैक चले जाना है। बैक चले जाने के बाद इसको जूम कर देना है बहुत ज़्यादा। जूम करने के बाद इसको कुछ इस तरीके से नीचे लगा देना है, जैसा कि ये नीचे लग गया, देख रहे हो आप। ऐसा लग जाने के बाद इसको हम फुल स्क्रीन में खींच देते हैं। फुल स्क्रीन में खींचने के बाद में क्या करना है आपको, अब इसके बाद में हम लेंगे लायरिक टेम्पलेट। लायरिक टेम्पलेट लेने के लिए आपको फिर से गैलरी में चले जाना है और सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये हम ले लेते हैं लायरिक। लायरिक को लेने के बाद में हम फिर से बैक आते हैं और यहाँ पर इसको हम भी फुल स्क्रीन में कर देते हैं। सॉरी, इसको फुल स्क्रीन करने से पहले आपसे बता दें, स्प्लिट स्क्रीन पे जाना है, फुल स्क्रीन में करके देख लेना है। देखिए पूरे में हो रहा है, तो इसको हम फिर से ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद हम बैक चले आते हैं और यहाँ पे हम चले जाते हैं ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पर हम स्क्रीन ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ऐसा रहेगा क्योंकि इसमें एक टेस्ट दिया रहता है।
तो हम उसको हम नीचे ले आएंगे। जैसे हम नीचे लाएंगे तो इसको हम प्ले करेंगे, अब तो यहाँ पर हो टेस्ट शो करेगा, ठीक है। इसको आपको ऐसे लगा लेना है, वीडियो अभी तक नहीं रन वॉइस नहीं लगा है, तो इसके लिए इसके बाद में आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको करना है ब्लैक बॉर्डर टेम्पलेट को यूज करना है। तो ब्लैक बॉर्डर टेम्पलेट मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस हम ब्लैक बॉर्डर को ले लेते हैं और इसको हम स्प्लिट स्क्रीन पे जाके फुल स्क्रीन में कर देते हैं। फुल स्क्रीन में करने के बाद इसको हम पूरे में खींच देते हैं, उसी तरीके से हम इसको खींच देते हैं। ऐसा खींचने के बाद में बैक चले जाते हैं, बैक चले जाते हैं। बैक चले जाने के बाद फिर से इसको हम सेलेक्ट करते हैं और हम ब्लेंडिंग पे चले जाते हैं। ब्लेंडिंग पे जाने के बाद में यहाँ से स्क्रीन वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं, जैसा कि मैंने इसे चूज कर लिया, ये ब्लैक बॉर्डर बन गया। अब इसे हम प्ले करके आपको दिखाते हैं विथ वाइज के, देखिए हम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, कुछ ही टाइम चलाएंगे तो आप देख रहे हैं कि ये फाइनली स्टेटस बन चुका है। और आप इसे एक्सपर्ट कैसे करेंगे, तो इसके ऊपर वाले एरो पर क्लिक करेंगे। इस ऊपर ऊपर वाले एरो क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से क्वालिटी चूज कर लेना, लेकिन आपको HD में ही रखना है। यहाँ पर सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो और प्यारा सा कमेंट